ये जो पिकअप है ये इसमें एक बिजली नाम की घोड़ी है। बिजली नाम की मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, बहुत अच्छी घोड़ी है ये। और अभी लेटेस्ट में ही कोट खावदा गांव में एक रिवाल चाल कंपटीशन हुआ था, उसमें ये बिजली नाम की जो घोड़ी है फर्स्ट विनर बनी थी वहाँ पे। और अभी जो ये आज जो रिवाल चाल का कंपटीशन हो रहा है कोट खावदा गांव से थोड़ी ही दूर है ये है, और उसी रेस में भाग लेने के लिए ये बिजली घोड़ी आई है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट से। अभी अभी आप पिकअप में देख रहे हो और इसके साथ जो आए हैं लोग। अभी थकी हुई आई है तो ये लोड करने की प्रैक्टिस कर रही है। थक गई अभी लोड करेगी ये। सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट के एरिया में ये फेमस घोड़ी है, बिजली नाम है इसका, और काफ़ी इसने कंपटीशन भी जीते हैं रेवाल चाल में। और दूसरी बार ये पार्टिसिपेट करने आई है यहाँ कोट खावदा गांव के पास में, गांव पड़ता है ग्रानोली, यहीं पे ये कंपटीशन हो रहा है रेवाल चाल का। जब ये चलती है, जब ये भागती है तो एक दीवाने से हो जाते हैं इसके। इसको शायद लौटाने की कोशिश की जा रही है ताकि इसका थकेला है जो वो उतर जाए। कहते हैं कि घोड़ा अगर लौट मार ले तो उसका जो सारी थकान है उसकी वो मिट जाती है, उसके बाद वो तंदुरुस्त फील करती है। बस उतर गया थकेला। अब एकदम फिट हो गई, एकदम फिट है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी राम गुजर है। खुशी राम जी गुजर जी। ये तो वही है ना बिजली अपनी? हाँ, वही है ये बिजली। कहाँ कहाँ जीती हुई है? इसमें सब बहुत रेस जीती है। पिछली बार तो कोट खावदा में जीती थी। कोट खावदा में? फिर उससे पहले घास है उधर, घास खरूजा टाउन जिले में। अच्छा अच्छा, वहाँ जीती है। हाँ, अभी यहाँ वापस लेके आए हो आज? अभी लेके आए। ये तो घर की होगी अपनी? हाँ, घर की है ये तो। वो आपके पास एक घोड़ा था उसी की? पुरानी लाइन की, पुरानी लाइन की चल रही है। कितनी उम्र की हो गई है? उम्र की चार दांत हो गई है, चार साल की है। चार साल से कुछ एक दो महीने हो गए। अच्छा अच्छा, तो ये रेवाल चाल के लिए तैयार किया इसको? ओनली रेवाल के लिए बस। ओनली रेवाल के लिए बस बेटो, बस ना थोड़ी चुरती फुरती मिलाऊ। हाँ लाओ ना। इस घोड़ी की फुर्तीलापन और वो देखोगे आप, इसका दीवाना हो जाओगे। क्योंकि इस घोड़ी का मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया पहले, अगर आपने किसी ने नहीं देखा है तो चैनल पे डला हुआ है, आप देख सकते हो इसका प्रॉपर वीडियो। बट ये जब ये घोड़ी खड़ी होती है या चलती है तो बहुत अच्छी चलती है, और एकदम अपने मालिक की वफादार इसको बोल सकते हैं, मालिक के लिए कुछ भी करने को तैयार भी हो जाती है ये घोड़ी।